हेलो, आज का टॉपिक जैसे आप लोगों को कस्टम यूट्यूब का जो कस्टम यूआरएल होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरा कि www.youtube.com/c/JanSatish जो कि मेरा कस्टम यूआरएल है, जो कि बहुत बड़ा यूआरएल था, तो उसको मैंने एक शॉर्ट करके छोटा सा कस्टम यूआरएल बना लिया जो कि खुद का है। तो आपको इसको कैसे बनाना है, जो कि क्या क्या ट्रिक होता है, कि एकदम सिंपल ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोग को सिंपल से बना सकते हैं, जो कि कस्टम यूआरएल। लेकिन उसका भी एक कंडीशन होता है जो कि ये 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मिलता है। जिसका 100 सब्सक्राइबर नहीं है तो वो कंप्लीट कीजिए पहले, इसके बाद ही आपको मिलेगा। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि इस तरह से बनाना है। तो ये मैं वीडियो स्क्रीन में बताऊँगा, जो कि आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाके तब मैं उसको बताता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सिंपल से आपको डायरेक्टली आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र होता है, तो सिंपल से क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपल से आपको जाना क्रोम ब्राउज़र पे, आपको www.youtube.com लिख के सर्च करना है जो कि आ जाएगा। और अपने आने के बाद अपने जीमेल से लॉगिन करना है, जो कि आपका जीमेल से लॉगिन किस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि मेरा पहले से खुला हुआ है। तो सिंपल से आपको इस तरह का लोगो पे क्लिक करने के बाद योर चैनल पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, जो कि आपको फिर से पहले YT स्टूडियो में जाएगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। आने के बाद सिंपल से आपको जो आएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं कस्टमाइज चैनल पे, सिंपल से आपको जो कि इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको डायरेक्टली YT स्टूडियो में जाएगा, फिर YT स्टूडियो में जाने के बाद फिर से रिटर्न आपको यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आने के बाद सिंपल से आपको मेरा नेट स्लो है तो एडजस्ट कीजिएगा। तो एडजस्ट करने के बाद बहुत तो आपको खुलने दीजिए सेकेंड। तो ये देख सकते हैं जो कि मेरा खुल चुका है। खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ब्रांडिंग का ऑप्शन जो यहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन पे यहाँ पे रेड रोज क्लिक किया, इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना। यानी तो पहले से क्लिक किया होगा तो अच्छे वाले बात, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा आपको, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। सिंपल से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे कस्टम यूआरएल सेट करना है। तो यहाँ पे सिंपल से कस्टम यूआरएल पर नीचे वाला ऑप्शन पे देख सकते हैं, जो कि मेरा पहले से वो वाला था, तो इस पर सेट करने के लिए यहाँ देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुका। तो एक पे आप सिंपल से आप अपना सेट कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन पर आप और भी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा नाम वाला आ गया, सिंपल से नाम वाला पे हम रहने देंगे और इसको सिंपल से पब्लिश कर देंगे। क्योंकि पब्लिश करने के बाद जो कि आपका कस्टम यूआरएल बन जाएगा, जो कि www.com यहाँ देख सकते हैं जो आ चुका पब्लिश करने के बाद। ऐसे आप अपना करके जो कि आप अपना बना सकते हैं कस्टम यूआरएल एकदम अच्छा तरीका से, शॉर्ट तरीका से। आपको इसको किसी को भेजना है तो आपको www.youtube.com लिख के आपको /c फिर /, डाल के JanSatish डाल दीजिए, आप अपना नाम डाल दीजिए, ऐसे आपका कस्टमर यूआरएल सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो तो एक कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि टैक्स यूट्यूब रिलेटेड और टैक्स रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।